और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे मैंने एक सर्वर बनाया है। ये सर्वर मैंने 8 दिन पहले बनाया था, वो सर्वर अभी तक चल रहा है। मैंने टेस्ट करने के लिए बनाया था, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, और एक SMP बनाया था मैंने, पब्लिक SMP, जिसमें रैंडम लोग आके खेल रहे थे, और वो सर्वर सही चल रहा है। अभी तक वो ऑनलाइन है, वो ओपनिंग हुआ, और वो मैंने सर्वर क्रिएट किया है जिसमें जावा के लोग भी खेल सकते हैं और पॉकेट एडिशन के लोग भी खेल सकते हैं, और ये कस्टम IP भी क्रिएट किया है। और ये सब कैसे करना है वो आज की वीडियो बताने वाला हूँ, और टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कैसा चलता है ये सर्वर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करने के बाद आप वेबसाइट की लॉगिन पेज पे आ जाओगी। यहाँ आपको डिटेल फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना। आपको कैप्चर फिल करने का भी ऑप्शन मिल सकता है, तो वो फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मुझे एक कॉइन प्रीमियम मिला है। और सर्वर क्रिएट करने के लिए ऊपर लेफ्ट साइड में देखो, आपको 3 लाइन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद सर्वर मिलेगा, उस पर क्लिक करो, जहाँ आपको सर्वर क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद अपना सर्वर का नाम सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करके अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो फ्री प्लेन दिखेगा, और ये फ्री प्लेन इनफ है जो मैंने सर्वर बनाया है, सी से बनाया है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपका सर्वर क्रिएट हो जाएगा। अपने कंट्रोल पैनल पर जाने के लिए आपको मैनेज पे क्लिक करना है। जिस ईमेल पासवर्ड से आपने लॉगिन किया था वही ईमेल पासवर्ड इधर डाल के आपका लॉगिन हो जाएगा। जो आपने सर्वर क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपको दिखेगा कंट्रोल पैनल पे, इस पर क्लिक करना है। आपको कंसोल और आपकी फाइल मैनेजर दिखेगा, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सर्वर स्टार्ट होगा आपकी फाइल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, और उससे पहले आपको एक पॉपअप होगा जिसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद ही आपकी सर्वर की फाइल क्रिएट होना स्टार्ट होगी, थोड़ा वेट करना है। जैसे आपका सर्वर रेडी होगा उसके बाद आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। अभी जो आपने प्लगइन डाउनलोड करी है उसको अपलोड करने के लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना है। यहाँ आपको प्लगइन्स का फोल्डर देखना है, और प्लगइन्स के फोल्डर में जो आपने अभी प्लगइन्स डाउनलोड किए थे वो अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद बैक आ जाना है, सर्वर को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपकी फाइल जो आपने प्लगइन्स डाली थी उसकी फाइल्स क्रिएट हो जाएंगी। सर्वर रिस्टार्ट होने के बाद थोड़ा वेट करो, वेट करने के बाद आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। आपको सर्वर के IP में से पोर्ट को कॉपी कर लेना है, फिर आपको प्लगइन्स के फोल्डर में जाना है, उसमें से आपको जहां पोर्ट दिखे जो आपने अभी कॉपी किया है उससे चेंज कर दो। इसके बाद सेव कर देना। अब आपका सेव हो चुका है, बैक आना है। अभी जो दूसरी प्लगइन्स डाली थी उसका नाम कॉपी करना है। वो नाम कॉपी करने के बाद आपको फिर से GeezerMC के फोल्डर में जाना है, कन्फिगर की फाइल में जाना है, जहाँ आपको ऑनलाइन टाइप दिखे वहाँ ऑनलाइन की जगह आपको जो भी मैंने प्लगइन्स का नाम कॉपी किया है वो डाल देना है। डालने के बाद सेव करना है। सेव करने के बाद बैक आ जाना है, सर्वर को रिस्टार्ट करना है। जैसे सर्वर रिस्टार्ट होगा, सर्वर रेडी होगा, आपका सर्वर रेडी हो चुका है, बस आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना है। माइनक्राफ्ट ओपन करने के बाद आपने जो आप IP कॉपी की थी उसको यहाँ पेस्ट करना है, मैंने पहले से सेव करके रखा है। सेव करने के बाद आपको सीधे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करोगे थोड़ा टाइम लगेगा वर्ल्ड को लोड होने में, जैसे आपका सर्वर लोड हो जाएगा उसके बाद थोड़ा चंक लोड होने में टाइम लगता है, जैसे 2 से 3 मिनट लगेगी वर्ल्ड को लोड होने में। ब्लॉक भी सही टाइम पे ब्रेक हो रहे हैं, ज़्यादा लैग नहीं है, और ये कम मेमोरी का है फिर भी इतना सही चल रहा है। आपको स्टार्टिंग में वेट करना पड़ेगा, वर्ल्ड को लोड होने में टाइम लगता है, उसके बाद ये सर्वर ठीक चलता है। और आप इस वीडियो को 5 सितंबर से पहले देख रहे हो तो आप खुद सर्वर को टेस्ट कर सकते हो जाके इस IP पे, तो जाके टेस्ट करो। ये मेरा पब्लिक SMP है जिसमें मैं खेलता हूँ, तो आके चेक कर सकते हो ये SMP, बस बर्बाद मत करना, ठीक है। ये सर्वर में आज के चेक कर सकते हो, और आपका सर्वर रेडी हो चुका है। इसके बाद अपनी कस्टम IP क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। मैं आप सभी को एक एक सब डोमेन फ्री दे रहा हूँ, इसलिए आप इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने के बाद आपको एक चैनल मिल जाएगा जिधर आपको
सब कुछ बता दिया जाएगा। आपको करना क्या है, आपको अपनी कस्टम आईपी क्रिएट करने के लिए अपनी सर्वर की आईपी और पोर्ट मुझे डीएम में सेंड कर देना, साथ ही साथ अपनी सर्वर का नाम सेंड कर देना, अपना नाम सेंड कर देना। अगर आपका यूट्यूब चैनल भी है तो वो भी सेंड कर देना। मैं आपके लिए कस्टम आईपी क्रिएट करके दे दूँगा आपके नाम से, जैसे आप चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप पॉकमाइंड सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वेबडॉक के लिए सर्वर क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए आपको राइट साइड में वीडियो मिल जाएगी। अगर आप सर्वर में बिगिनर हो तो आपके लिए लेफ्ट साइड में वीडियो मिल जाएगी, जिधर मैंने आपको बताया है बेसिक से कि सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है, और उसके बेसिक चीज़ें बताएंगे, तो उस पर क्लिक करके आप समझ सकते हो। तो ये दोनों वीडियो जाके देखो। मिलते हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।